अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कमर मान है। मैं इस बैठा हूँ वारदरी कारपोरेशन टारगेट सेंटर लुडन से। मैं किसान भराओं के पैगाम लैके आया हूँ जोड़े हैं गंदम के काश्तकार। गंदम के काश्तकार किसान भरा वेखते हो सके गंदम जी है किसान भरावान की पिलाहट का शिकार हो रही है। दूसरे नंबर पर गंदम जी है डिग रही है, यानी कि वह कटी के जन ढह रही है। किसान भरावान वास्ते पैगाम है पिया। उससे पहले किसान भरावान मैं अर्ज करता हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल कमर मान टारगन के नाम तो है पिया, उन सबसक्राइब कर दियो तो नाल घंटी का निशान है भी आ उसमें भी दबा दियो ताकि फसलों के बारे वीडियो जी तो मैं बना रही हूँ तो मिल सके तो जरा पैदावार इजाफा हो। किसान भरा इस चीज़ों मद्देनज़र रखते हुए कि किसान भरावान वास्ते जो मसला है पाया गंदम का कि गंदम जी पिलाहट का शिकार हो रही है या कटी रही है डिग रही है उसके बारे है पाया कि किसान भरा जिथे यानी कि धान काश्त किया गया है तो दूसरे नंबर पर मक्की काश्त की गई है तो उस जगह पर गंदम काश्त की इन्हें तो वो जाना इस तरह ने मराहल के गुजर रही है कि पिलाहट का शिकार दूसरे नंबर पर डिग रही है कटी रही है वो किस करके कटी रही है। पहले नंबर पर तो यह है कि उस सुस्तेल है यानी कि तना जड़ा है ना उस जाना यानी जरा सुस्तेल है बह के और रस चूस रही है तो गंदम जी है ना पिलाहट का शिकार हो रही है। दूसरे नंबर पर जी डिग रही है यानी डह रही है वह है कटवर्म। कटवर्म वो तने की सूडी होंगी है पी जी कट के पौधे जड़ना थले डेग रही है पी तो किसान भरा उस किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं यानी कि उसका तदारक किस तरह कर सकते हैं। सब तो पहले किसान भरा इस चीज़ में वेखन के इस समय जी स्टेज है गंदम की वो 2 तो 3 इंच तक है तो किसान भरा पानी पिला नहीं सकते जिस करके कोई चीज़ फ्लड करिए तो उसका तदारक किया जा सके। किसान भरा जिस टाइम फ्लड करते हैं तो ज़्यादातर कलोरी जी होंगी कलोर पेरीफास उस फ्लड करते हैं तो किसान भरा इस चीज़ में मद्देनज़र रखते हुए कि कलोरी जिस टाइम तुम फ्लड करते हो उसका असर देर तक रहता है यानी कि जिस टाइम तुम दाना भी बन जाता है उस तक उस टाइम तक भी यानी कि उसका जहर का असर रहता है जिस करके किसान भरा खाते हैं तो उन्होंने बीमारी का यानी कि जहर का असर जो होंगे ना वह नुकसान दे साबित होंगे पाया। इस करके इस तरह के स्प्रेव करो जिसका जो ना दौरानिया जो है पे वह कम हो आप जो फसल नुकसान हो रही है उसमें भी रोक सकी अपने वास्ते जी गंदम है खाण के वास्ते इस्तेमाल करने हैं उसका भी जानना मुनासिब यानी कि हल निकल सके। किसान भरा जिस टाइम तुम देखते हो कि मसले आ चुके हैं तो उन्होंने कंट्रोल करना है पाया सब तो पहले जो है पाया फैप्रोनल तुम स्प्रे करो ताकि जी तने की सूडी है स्टैम्पोरर है उसका कंट्रोल हो कटवर्म जरा लगे हुआ है पाया उसका जरा कंट्रोल हो आप फसल में खुशगवार कर सकी। दूसरे नंबर पर जोड़ा सुस तेला लगे हुआ है पाया रस चूस हो रही है पाया उस वास्ते अमीडा क्लोपारड तुम स्प्रे करो तो रस चूसण वाले हशरात जिन्हें भी है उन्होंने कंट्रोल करो। जिस तरह तुम देखते हो कि अगर तुम्हें फैप्रोनल दस्याब नहीं होंगी है तो फिर दूसरिया कंपनिया के मुख्तलिफ प्रोडक्ट ने जिन्होंने मुख्तलिफ जहर ने खास करके जिस तरह तुम देखते हो कि ऑरेंज कंपनी ने तमाका सुपर नाम तो प्रोडक्ट दिता है पाया दूसरे नंबर पर टारगेट जी है पाया उन्हें थंडर के नाम तो या फिर तुम देखते हो कि तारा कंपनी ने सुपर लाक के नाम तो यह प्रोडक्ट दिता पाया जिन्हों का काम भी यही है पाया कि जी है सूडियाँ उन्होंने कंट्रोल करना है कटवर्म कंट्रोल करना है कटवर्म या टोका सेम ही नाम कह जाते हैं तुम इस कंट्रोल करना है पाया तो अपनी फसल में खुशगवार करना है पाया। किसान भरा अपनी फसल में चेक करते रहा करो कि जितने भी मसाइल आते हैं उन्होंने पेशगी तदारक करना होंगे पाया कि जिस तरह तुम देखते हो कि इस टाइम कटवर्म लगे हुआ है पाया तो अगर तुम इस तदारक नहीं करते हो इस खत्म नहीं करते हो स्प्रे नहीं करते हो तो फिर अपनी फसल का नुकसान शुरू तो ही कर पाते हो जिस करके तुम बेहतर पैदावार नहीं लै सकते हो। किसान भरा इन स्प्रेव का इस्तेमाल करन यानी खास करके एहतियाती तदाबीर है कि जिस टाइम तुम यक तरफा कोई फसल काश्त करते हो यानी कि जिस तरह गंदम है या धान होंगे या कोई भी इस तरह की फसल होंगी है जी यक तरफा होंगी है पे उस टक वाले फुहारे स्प्रे करना चाहिए है पाया इन्होंने जहरों का इस्तेमाल करन अपनी फसल महफूज करें। शुक्रिया किसान भरावान का।